बलांगीर जिला देवगांव ब्लॉक मुकुंदपुर पंचायत अंतर्गत भीमडुंगरी ठारे प्रति वर्ष भली चलित वर्ष नवेम्बर 1 रु 5 तारीख पर्यंत दशम भीम पहाड़ महोत्सव अनुष्ठित हेब। एहा दशम वर्ष रे पदार्पण करि सारिछि। अंचलवासी सहयोग रे भीम पहाड़ महोत्सव कमिटी ओ गिरी गोवर्धन पूजा कमिटी एहाकु आयोजन करुछि। एही महोत्सव पाई कमिटी पक्षरु बलांगीर सांबादिक भवन ठारे एक सांबादिक सम्मेलन आयोजन करा जाय। महोत्सव रे गणमाध्यम को सूचना दिया जाय छि। महोत्सव कमिटी अध्यक्ष तथा देवगा ब्लॉक रो पूर्वतन ब्लॉक अध्यक्ष लक्ष्मण कुमार मेहर को सभापतित्व रे अनुष्ठित ही सांबादिक सम्मेलन रे मुख्य अतिथि भावे जिला परिषद रो सभापति देवकी साहू, सम्मानित अतिथि भावे बलांगीर पौर अध्यक्षा लिका साहू, संस्कृति गवेषक डॉक्टर घासीराम मिश्र और नाट्य भूषण जगदानंद छुरिया जोगदे महोत्सव लोगो को उन्मोचन करथिले। कमिटी रो अध्यक्ष लक्ष्मण मेहर एही अवसर रे सूचना दे कहिसंती जे गणमाध्यम भीमडुंगरी रो इतिहास को लोकलोचन को आनिथिला, जहाँ फल रे राज्य सरकार एहाकु एक पर्यटन स्थली रो मान्यता देले ओ अनेक गुडी विकासमूलक काम चालिछि। भीम पहाड़ महोत्सव जरिया रे स्थानीय लोकंकु एकत्रित करी अंचल रो विकास काम को आगे निया जाउछि। भीम पहाड़ रे आगो को एक हरिण पार्क, स्वाधीनता संग्रामी धरम सिंह माछी मानवदत्तक प्रतिमूर्ति स्थापन और एक आदिवासी म्यूजियम स्थापन करने को प्रयास चली। भीमडुंगरी ऐतिहर गवेषणा पाई विश्वविद्यालय गुड़ी को अनुरोध करा जायछि बोली श्री मेहर सूचना देथिले। महोत्सव आसंता नवेम्बर 1 तारीख रु कलश यात्रा आरंभ होई 5 तारीख पर्यंत महोत्सव चलिबो। 5 दिन धरी नाम संकीर्तन सह गिरी गोवर्धन पूजा, राति रे कंस दरबार और सांस्कृतिक सभा तथा कार्यक्रम अनुष्ठित हेबो। महोत्सव रे राज्यर विभिन्न जिल्लारु 15 सांस्कृतिक दल जोग देउथबा बेले प्रतिदिन विशिष्ट कलाकार रवींद्र साहूंक टीम कंस दरबार करिबे। नवेम्बर 3 तारीख रे भीम पहाड़र अतीत वर्तमान और भविष्य शीर्षक एक आलोचना चक्र अनुष्ठित हेबो। एथिरे देवगांव ब्लॉक और आखपाखर 10 हाईस्कूल कलेजर 150 रु ऊर्ध छात्र छात्री और अध्यापक माने जोग देबे। महोत्सव रे प्रथम दिन रे पूर्वतन विधायक विनोद पात्र जोग दे कार्यक्रम को उद्घाटन करिबे। सेहीपरी द्वितीय दिन रे राज्य सरकार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, इलेक्ट्रॉनिक्स और संसदीय व्यापार मंत्री डॉक्टर मुकेश महाली, तृतीय दिन रे बलांगीर विधायक कलिकेश नारायण सिंह देव, जिला परिषद सभापति देवकी साहू, पौराध्यक्षा लिका साहू, चतुर्थ संध्या रे राज्यसभा सांसद सुलता देव और निरंजन बिसी अतिथि भावे जोग देवार कार्यक्रम रही। चलित वर्ष गौरगोठ ग्रामर पाटखंड महोत्सव कमिटी, नुआपाली धनुजात्रा कमिटी, बलांगीर माहेश्वरी स्वेच्छासेवी संगठन, ओपीएससी रो सफल होइथिबा देवगा ब्लॉक रो डॉक्टर आलिसा मेहर ओ गवेषिका डॉक्टर संध्याराणी साहू को संबर्धित करबाकु स्थिर करा जायछि। ठीक सही परी मुकुंदपुर पंचायत रो पूर्वतन सरपंच ओ समिति सभ्य मानको मध्य संबर्धित करा जाउथबा कमिटी रो अध्यक्ष श्री मेहर सूचना देथिले। आजिर एही सांबादिक सम्मेलन रे महोत्सव कमिटीर सभापति प्रमोद बहिदास, संपादक गोवर्धन साहू, कोषाध्यक्ष अभिमन्यु माझी, मुकुंदपुर सरपंच जानकी साहू, शैलेन्द्र साहू, मधुसूदन नायक, पूर्वतन ब्लॉक अध्यक्षा रीना मेहर, नंदकिशोर नायक, राजेश कुमार नायक, दया महाकुर, जतन बारिक, वासुदेव साह और थमीर कंप प्रमुख उपस्थित रही। दुहजार चौबीस भीम पहाड़ महोत्सवटा 10 वर्ष रेटा पदार्पण करवा लगे जाऊे। आबार 1 तारीख रु 5 तारीख 5 दिन धरिकी इटा महासमारोह भीम पहाड़ पादेश अनुष्ठित हवा। 15 सांस्कृतिक दल जिला भितर एवं जिला बाहर जगह अंशग्रहण करेंगे। एवं सबुथ बड़ कथा है भीम पहाड़ ऐतिह्य परंपरा एवं अन्यान्य कार्यक्रम संपर्क जनसाधारण को जनाबार लगी भीम पहाड़ महोत्सव कराऊे। एवं भीम पहाड़ जेन आउ 2-3 दाबी रही है। गत सरकार तो निश्चित भाव में गोटे पर्यटन स्थल मान्यता घोषणा करी प्राय 10 कोटी टंका देखु आहरी किसी आवश्यक रही है। जिनसे गोटे मार्केट कम्प्लेक्स आवश्यक रही है, गोटे डियर पार्क गोटे आवश्यक रही है। भारत सरकार को अनुरोध कराई कमिटी तरफ आर्कोलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय प्रत्नतत्व विभाग द्वारा
ଏଟାକେ ଗବେଷଣା କରାଯାଉ, କାରଣ ବହୁତ ମାନେ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ସେ ଜାଗାରେ ରହିଛେ, ଯେନ୍ ଜାଗାରେ 64 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କମ୍ପା ରହିଛେ, ଯାହାର ଗୋଟେ ଇତିହାସ ରହିଛେ, ଯେନ୍ ଇତିହାସରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଧରମ ସିଂ ମାଝୀ, ମାନଦାତା ରିଙ୍ଗଡୋ ମାଝୀ ଏବଂ ଚକରା ବିଷୟ ରହିକରି ତତ୍କାଳୀନ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ମା ମାଟିର ଲାଗି ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ, ସେଇ ଇତିହାସଟା ହେଉଛି ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହର 4 ବର୍ଷର ଇତିହାସ। ଏଟାକେ ଆହୁରି ଗବେଷଣାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛେ। ଗଲା ସରକାରକୁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରକୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛେ, ଆଗାମୀ 2 ମାସ ଭିତରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଧରମ ସିଂ ମାଝୀ ମାନଧାତାଙ୍କର ସେନ ଗୋଟେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ହେବାର୍ ଲାଗି ଯାଉଛେ, ଉନ୍ମୋଚିତ ହେବାର୍ ଲାଗି ଯାଉଛେ। ଅଲରେଡ଼ି ସେଟା ତିଆରି ସରିଗଲାନ, ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ସେ ଦିଗରେ ଅତିଶୀଘ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନ୍, କମିଟି ତ ପୁରା ରେଡ଼ି ଅଛୁ ସରକାରକୁ ସହଯୋଗ କରିବାର ଲାଗି, ଏବଂ ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛେ। ଏବଂ ଏ ବର୍ଷଟା ସେ ଜାଗାରେ ଆଗରୁ 16 ପ୍ରହରୀ ହେଉଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ 24 ପ୍ରହରୀ ବି ହେବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରାକେ ନେଇକରି, ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏ ବର୍ଷ ବି 30,000 ଉର୍ଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କର ଜନସମାଗମ 5 ଦିନ ଧରିକରି ହେବା। କେତେ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ? ଏଇଟା 1 ତାରିଖରୁ 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ।